पितर दोष दूर करने के उपाय। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि लगभग हर घर में कोई न कोई व्यक्ति पितर दोष से पीड़ित है, क्योंकि हमारे पितर देव यानी बड़े बुजुर्ग दादा परदादा अपनी मृत्यु के बाद पितर बनते हैं और उसी घर में निवास करते हैं, और जब वह रूठ जाते हैं तो हमें कई दुखों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज हम कुछ उपाय लेकर आए हैं जिनको करने से पितर दोषों से छुटकारा मिलता है। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। सबसे पहले तो ये याद रखें कि ये उपाय हमें शनिवार को करना है तथा सच्ची श्रद्धा के साथ। इसके लिए पितर दोष से पीड़ित यातक को मंदिर में जाकर हर रोज पीपल पेड़ पर दूध जल मिलाकर अर्पित करना है। इसके बाद शाम के समय पीपल पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलावें। इस उपाय से आपके पितरदेव प्रसन्न हो जाते हैं और उनके प्रसन्न होने पर पितर दोष का प्रभाव खत्म होने लगता है। शनिवार के दिन गाय का कच्चा दूध किसी बिल पत्थर के पेड़ की जड़ पर थोड़ा सा चढ़ाएं एवं उसी पेड़ से 21 बिल पत्थर तोड़कर ले आएं। ध्यान रखें बिल्व के पत्ते कहीं से भी खंडित न हो और जमीन पर न गिरे हो। बिल्व पत्थर को घर लाकर पानी से साफ करें। अब तांबे या चांदी के एक लोटे में गाय के दूध को भर लें एवं थोड़े से काले तिल मिला लें। अब ये सभी सामग्री लेकर किसी शिव मंदिर में जाएं। अगर शिव मंदिर में शिवलिंग पीपल पेड़ के नीचे स्थापित हो तो सबसे उत्तम माना जाता है। शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले पीपल पेड़ पर थोड़ा सा दूध चढ़ाकर 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद शिवलिंग के सामने पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। हाथ जोड़कर अपने सभी ज्ञात अज्ञात पितरों को याद कर प्रार्थना करें कि आपके मोक्ष की कामना से हम भगवान शिव शंकर जी की विशेष पूजा करने जा रहे हैं। निश्चित ही भगवान भोलेनाथ आपकी आत्मा को मोक्ष मुक्ति प्रदान करेंगे। अब विधिवत सबसे पहले गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। बिल पत्र सहित सभी पूजन की सामग्रियों एक एक पितर दोष से मुक्ति की प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। इस उपाय और शिव कृपा से कुछ ही दिनों में पितर दोष से होने वाली पीड़ा दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।